नमस्कार दोस्तों, फाइनली हमारे पास आ चुके हैं ओप्पो के एनको बड्स 2, जो दोस्तों ओप्पो की तरफ से जो ईयरबड्स हैं सेकंड जनरेशन के। तो आज मैं आपके सामने इनकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और आपको इसमें जो क्या क्या फीचर मिलते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की, क्योंकि काफ़ी लोगों दोस्तों प्राइस का सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है कि ये अभी किस रेट में मिल रहे हैं। तो दोस्तों देखो, MRP की बात करूँ तो ये दोस्तों 3,999, जो कि दोस्तों इस पर MRP आती है। बट दोस्तों ये हैं कितने के, जी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसका पेमेंट किसी भी क्रेडिट कार्ड से या जो जिस टाइम आप परचेस करते हो उस टाइम पर जो भी ऑफर चलता है जिस बैंक का, आप उस कार्ड से करते हो तो आपको 100-200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों ये मुझे पड़े थे समथिंग 1700 रुपये के ऑफर लगाने के बाद, और ये उसके बाद में दोस्तों 1500 रुपये 1500 तक के भी फ्लिपकार्ट पर मिले हैं, बट मैंने इनको पहले ही ले लिया था। तो दोस्तों देखिए इस पे MRP 4000 रुपये समथिंग है, और ये है दोस्तों मेरे पास ग्रीन कलर के। ऐसा नहीं है इसमें दो एक ऑप्शन और भी आता है जो दोस्तों ब्लैक कलर का, बट मैंने ग्रीन कलर का लिया क्योंकि दोस्तों ये नया कलर निकला है। तो दोस्तों इसके फीचर्स की बात करूँ तो देखिए इसमें हमें 28 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है एक बार चार्ज करने पे। जैसे आपने, मैं आपको पहले इसको ओपन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको इसके फीचर के बारे में बताऊँगा कि इसमें हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं। तो देखिए जो कुछ इस तरह का बॉक्स आता है जिसमें दोस्तों ये अंडे टाइप से आता है, इसके अंदर आप अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ और इसमें हमें क्या क्या मिलता है, पहले वो आपको मैं दिखा दूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरह का जो बॉक्स आता है, इसके अंदर दोस्तों आपको ये एक्स्ट्रा कैप मिलते हैं छोटे बड़े अगर आप जिस तरह से यूज करना चाहते हो वो, और इसके अंदर कुछ पेपर्स मिलते हैं ये देखिए, इसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, कौन सी एप्लीकेशन आपको इसमें यूज करनी है वो सब आपको इसमें बताया गया है, क्योंकि ये दोस्तों एप्लीकेशन के थ्रू भी आप इनको चला सकते हो सेटअप कर सकते हो। वारंटी कार्ड वगैरह भी दोस्तों इसी में सब कुछ है। और दोस्तों आपने ये नोटिस की होगी कि इसके अंदर आपको डाटा केबल नहीं मिलती, तो वो दोस्तों आपको अलग से लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपके पास दोस्तों चार्जर होगा एंड्रॉयड फ़ोन का, आप उसे चार्ज कर सकते हो टाइप सी वाले चार्जर से। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आते हैं बिल्कुल अंडे टाइप से, और दोस्तों इसका जो ग्रीन कलर है वो एकदम फिनिशिंग वाला है, जो आप अगर आप इसका ब्लैक कलर लोगे तो दोस्तों मैट फिनिश में आएगा, बट जो ग्रीन कलर है दोस्तों वो एकदम इस टाइप से आएगा जो दोस्तों काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं है ना ही दोस्तों ज़्यादा छोटे हैं, आप इनको आसानी से अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हो। और दोस्तों आपको इसकी मैग्नेट का सिस्टम दिखाऊँ तो आप देख सकते हो, तो देखो ये मैंने खोल दिए और ये गिर भी नहीं रहे हैं, मैं काफ़ी तेज़ ला रहा हूँ तो काफ़ी अच्छी पकड़ है इनकी, ये देखिए देखो। और इसका जो ढक्कन है ये खुलने वाला, तो जय मैंने खोल दिया है तो कभी टायर टाइट ढीला नहीं है ये देखिए। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी फिटिंग है, और डिजाइन की बात करूँ डिजाइन भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो काफ़ी अच्छी डिजाइन है इनकी। दोस्तों ग्रीन कलर में काफ़ी अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने इनका ग्रीन कलर परचेस किया। अब मैं दोस्तों आपको इनके फीचर के बारे में बताऊं, तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर की, तो इसमें हमें मिलता है 10 mm के एक अच्छे ड्राइवर, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा बेस वगैरह मिलता है, और दोस्तों इसमें ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है जिससे ये आसानी से आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और IP64 दोस्तों IPX4 की रेटिंग मिलती है, जिसमें अगर आप तो हल्का फुल्का इसमें बारिश का पानी या फिर आप कानों में लगाते हो उस टाइम आपको पसीना वगैरह आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और इस बॉक्स को फुल चार्ज करने पर आपको 28 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है, इनको जब आप इस डिब्बी को चार्ज कर दोगे तो पूरी डिब्बी के साथ दोस्तों जो आपको बैटरी बैकअप मिलेगा वो आपको 28 घंटे का मिलता है। तो बैटरी बैकअप मैं बोलूँगा अच्छा है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बैटरी बैकअप के लोगे दोस्तों आपको कोई ना कोई चीज़ से कम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, और कंपनी दोस्तों दावा करती है कि 10 मिनट चार्ज करने के बाद आप इसमें 1 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक आसानी से ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों।
तो अगर आपको ये चाहिए तो ख़रीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी फीचर दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो तो आपको जब आप इनको यूज करोगे तभी आपको अच्छे से पता लगेगा। मैं आपको बताऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसके साउंड क्वालिटी कैसी है वो ये सब, क्योंकि वो दोस्तों जब आप खुद यूज करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि काफ़ी अच्छे ईयरबड्स हैं। अगर आपको एक अच्छी ब्रांड की ईयरबड चाहिए, ये देखिए, जो दोस्तों काफ़ी अच्छे देखने में अच्छे हों, यूज करने में काफ़ी अच्छे हों, और साउंड क्वालिटी दोस्तों कॉल क्वालिटी अच्छी है इसमें आपको अच्छी मिले, तो आप इनको ले सकते हो। कॉल क्वालिटी के मामले में भी दोस्तों ये काफ़ी अच्छे हैं, आप इनको लगा के अपनी कॉल क्वालिटी भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा आपसे बोले कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ भी दोस्तों क्लियर जाती है, बस फ़ोन आपके आसपास ही होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और जरूर करें, और अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।